अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ओरिजिनल स्टोरीज। कोई भी सल्तनत या हुकूमत कितनी ताकतवर रही है ये उसके सुल्तानों और बादशाहों पर इंकसार करता है। आज के अपने इस वीडियो में हम दुनिया के ऐसे ही पांच इस्लामी बादशाहों और जंगजुओं के बारे में बात करेंगे कि जब तक वो दुनिया में रहे उनसे टकराने की ताकत उस वक्त के किसी बादशाह या जंगजू में नहीं थी। दोस्तों, इस लिस्ट के नंबर पांच पर नाम आता है सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सबसे ताकतवर सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड का। इनके बारे में कहा जाता था कि ये सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सबसे ताकतवर सुल्तान रहे। सुल्तान अब्दुल हमीद 21 सितंबर 1842 को तोप कापी महल में पैदा हुए थे। सुल्तान अब्दुल हमीद का दौरा खिलाफत 33 साल तक रहा था। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया को अंदरूनी और बैरूनी दोनों किस्म के खतरात से बचाया था। इनकी वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया का वही हाल हुआ था जो कि औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मुगल सल्तनत का हुआ था। अगर आप इनके बारे में और ज्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इनका नाम लिखिएगा, हम इन पर भी एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। टॉप 5 पावरफुल मुस्लिम बादशाहों की इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है सुल्तान महमद फतेह का। सुल्तान महमद फतेह 1432 में पैदा हुए थे। इनके बारे में कहा जाता था कि ये वो बादशाह हैं जो कि नामुमकिन को भी मुमकिन बनाना जानते थे। इन्हीं के दौरे खिलाफत में कुस्तुनतुनिया को पहली बार फतह किया गया था और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये नामुमकिन सा नजर आने वाला काम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में कर दिखाया था। इनके बारे में कहा जाता था कि इनकी बहादुरी और ताकत की पूरी दुनिया कायल थी। इस लिस्ट के नंबर 3 पर नाम आता है सुल्तान उस्मान गाजी का, और ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि सुल्तान उस्मान गाजी ने ही सल्तनत उस्मानिया को कायम किया था। उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की बदौलत देखते ही देखते एक छोटे से कबीले को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। आपको बताते चले कि सुल्तान उस्मान गाजी काई कबीले के सरदार अर्तुरुल गाजी के तीसरे बेटे थे। उस्मान गाजी ने अपनी पूरी उम्र जंगें लड़ी थी और आखिरकार सन 1299 में उस्मान गाजी ने दुनिया की ताकतवर सल्तनत सल्तनत उस्मानिया को कायम किया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है सलाहुद्दीन अयूबी का। आपको बताते चले कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अयूबिड सल्तनत के बादशाह थे जो कि 12वीं सदी की एक अजीम सल्तनत थी। सलाहुद्दीन अयूबी ऐसे बादशाहों में शुमार होते हैं कि जिनको उनकी बहादुरी के साथ साथ दरिया दिली के लिए भी याद किया जाता है। को चाहे नाइट हो के फौजी, चाहे कोई, मुझे कसम है अल्लाह की किसी को खराश तक नहीं आएगी। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को सिमटा नहीं जाने दिया था। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन अयूबी 1137 में इराक के एक शहर में पैदा हुए थे। इन्हीं के दौर में दोबारा बैतुल मुकद्दस, जो कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है, इसे भी फतह करने में कामयाब रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी को तारीख में हमेशा एक रहमदिल सुल्तान और एक शानदार जंगजू के तौर पर याद रखा जाएगा। टॉप 5 की फहरिस्त में नंबर 1 पर नाम आता है हजरत खालिद बिन अल वलीद का। अरब की सरजमीन में 100 से ज्यादा जंगों में हिस्सा लेने वाला कमांडर जिनको शिकस्त देना उस वक्त के किसी भी बादशाह और बड़ी सल्तनतों के लिए एक ख्वाब बनकर रह गया था। आपको बताते चले कि हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने वक्त में दर्जनों जंगें लड़ी थी और इनके बारे में कहा जाता था कि वो जहां जहां जाते जीत उनका मुकद्दर बन जाती। इसके अलावा इन्हीं के दौर में उस वक्त की सुपर पावर को भी शिकस्त देने में कामयाबी पाई थी, जिसमें कि रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर जैसे बड़ी बड़ी सल्तनतें शामिल थी। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि हजरत खालिद बिन वलीद के दौर में ही मिस्र, ईरान, जॉर्डन, आर्मेनिया जैसे मुल्कों को भी फतह किया गया था। इसीलिए इनका शुमार दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम कमांडर में भी किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आने वाली मजीद वीडियोस देखने के लिए।